जितने लोगों ने अभी अभी ज्वाइन इन किया उनको बताते चले, इस वक्त दो एलिमिनेशन हो चुकी हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं 8 कंटेस्टेंट्स जो आपस में खेल रहे हैं और लड़ रहे हैं आगे जाने के लिए। राउंड 3 का टॉप प्राइज होगा 1,25,000 रुपए। 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होगा। आई सी यू नुमान, यू गेटिंग ऑल एक्साइटेड एंड आई लव दैट एक्साइटमेंट ऑफ योर्स। तमाम कंटेस्टेंट्स में से अगर मुझे कोई शख्स जीतने काबिल लग रहा है या फिर अगर मुझे कोई शख्स लग रहा है कि उसमें चाहत है जीत की, एक्साइटमेंट दिख रही है, लगन दिख रही है, मोटिवेटेड लग रहा है, वो सिर्फ आप हैं। बाकी तो मुझे नहीं लग रहा यहाँ क्या करने आए हैं। आई होप इस राउंड में आपकी एक्साइटमेंट आपके जवाबों में नजर आए और आप सही जवाब दें। ये राउंड है 1,25,000 के लिए और वक्त होगा 2 मिनट 40 सेकंड का, यानी वक्त कम। और सवाल मैं आपसे कॉन्स्टेंटली पूछती जाऊंगी। आपको यही करना, कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग तेजी से जवाब दें ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल आपसे पूछ सके और ज्यादा से ज्यादा पैसे आप बैंक कर पाए। ये राउंड दानिश आपसे शुरू होगा, क्या आप तैयार हैं? यस मैम। याद रखें 1,25,000 का टॉप प्राइज, वक्त सिर्फ 2 मिनट और 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। ऑटोमन एम्पायर में यूं तो काफी ज़बानें राइज थी मगर उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? टर्किश। करेक्ट निदा। नोबेल प्राइज हर जीतने वाले नॉमिनी को अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी पर दिया जाता है, वो डेट कौन सी है? 10 दिसंबर। करेक्ट नुमान। व्हाट इज द मैथमेटिकल नेम फॉर अ पाउंड साइन? ऑक्टोट्रोप। करेक्ट। साथ या रिसर्च के मुताबिक साल का वो कौन सा महीना है जिसमें पैदा होने वाले बच्चों का वजन दूसरे महीने में पैदा होने वाले बच्चों से औसतन 200 ग्राम ज्यादा होता है? फेब। गलत जवाब, मे। रमीस ऑडियो सुनकर बताएं किस पाकिस्तानी फनकार की आवाज है? बनाना मुश्किल नहीं हो, सल्तनत पे कब्जा रखना बड़ा मुश्किल था। नौमान एजाज। करेक्ट। रिफत, तारीख में आज तक कितने पाकिस्तानियों को नोबेल प्राइज मिला है? 2 को। करेक्ट। बिलाल, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है चांगजुंग हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल कौन से मुल्क में वाके है? ताइवान में। करेक्ट, ताइवान। जारा, अमेज़न फॉरेस्ट को कौन सा एजाज हासिल है? पास। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल होने का एजाज। दानिश, स्नो लेपर्ड कौन से मुल्क का कौमी जानवर है? अफगानिस्तान। करेक्ट। निदा, वो कौन सा जानवर है जो जंप नहीं कर सकता? एलिफेंट। सही जवाब नुमान। बैंक, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है? पास। अफ्रीकन ब्लैक वुड। सादिया, हम लोग बैंक हम लोग अपने कान कॉटन बट से साफ करते हैं मगर एक ऐसा जानवर है जो अपने कान अपनी जबान से साफ करता है, नाम बताएं? पास। जिराफ। रमीज, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का टोटल प्राइस मनी क्या है? 44 करोड़ डॉलर्स। करेक्ट। रिफत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। करेक्ट। बिलाल, बैंक दुनिया का सबसे पहला बैंक 1472 एडी में कायम किया गया मुल्क कौन सा था? इटली। करेक्ट। जारा, पाकिस्तान के CNIC में फैमिली नंबर अगर 3 से स्टार्ट हो तो वो कौन से प्रोविंस का समझा जाता है? पंजाब का। बिल्कुल सही जवाब। 2 मिनट 40 सेकंड हो गए पूरे, अगला सवाल नहीं कर पाई, काफी रुकावटें आई, किसकी गलती हुई, बैंक की पोजीशन क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप मुझ तक वो नाम पहुंचाएंगे जो आगे यानी राउंड 4 में मेरे साथ और आपके साथ नहीं होगा और आप उसको पीछे छोड़कर आगे जाना चाहते हैं। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। एलिमिनेट करें उस वीक कंटेस्टेंट को। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। जारा और सादिया के पास कहने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक करना सादिया, नुमान और बिलाल को याद रहा। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से। आप किसको एलिमिनेट करना चाहती हैं निदा? रिफत। क्यों? बिकॉज वो मुझे मेरी कॉम्पिटिटर लग रही हैं। अभी से कॉम्पिटिशन की परेशानी हो गई। राउंड 3 में अगर आप अच्छे कंटेस्टेंट को निकाल देंगी तो पैसे जमा कैसे होंगे निदा? जब पैसे जमा नहीं होंगे तो लेके क्या जाएंगी आप? और वैसे भी जाना तो आपको चाहिए क्योंकि मैं तो क्वेश्चन आंसर्स के सही जवाब दे रही हूँ। आप बल्कि बैंक नहीं कर रही हैं, आप कंफ्यूज रख रही हैं, तो आपको जाना चाहिए था। आई एम नॉट कंफ्यूज, मैंने टोटली सही आंसर्स किए हैं। मे बी कि मैंने 1-2 क्वेश्चंस के आंसर्स गलत किए हों। इस बात में तो मैं रिफत के साथ जाऊंगा क्योंकि निदा को जाना चाहिए। निदा कंफ्यूज लग रही हैं मुझे। आप कंफ्यूज लग रही हैं और एक्टिव भी नहीं है। आई एम एक्टिव। रिफत, आपका वोट है निदा के खिलाफ, निदा का वोट है आपके खिलाफ। आपके साथ रमीज भी कोई राय रखते हैं, उनसे पूछते हैं।
मैम मेरा वोट निदा के खिलाफ है क्योंकि मुझे काफ़ी कंफ्यूज लग रही हैं, चैन को तोड़ देती हैं। यहाँ टीम के काफ़ी मेंबर्स तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर सकें, लेकिन निदा कंफ्यूज हैं। ठीक है सादिया, आई थिंक ज़ारा। यू थिंक ज़ारा, ऑल राइट। नुमान आपकी क्या सोच है? मेरी सोच है सादिया, बिकॉज वो ज़्यादा नर्वस लग रही है मुझे यहाँ पे सबके मुकाबले में सवाल जवाब के। ठीक है दानिश। मैम मुझे भी ज़ारा थोड़ी सी लग रही है कंफ्यूज लग रही है मुझे। ज़ारा मैं निदा। निदा बिलाल। निदा क्यों? कंफ्यूज लग रही है और आई थिंक सवाल का जवाब भी सही नहीं दिया था इन्होंने एक तो इस वजह से। अब जाने वाले कंटेस्टेंट को तो पता ही चल गया होगा कि वो कौन है। मेजॉरिटी वोट्स निदा आपके खिलाफ, जबकि आप चाह रही थी कि रिफत चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि जो मेजॉरिटी कहती है इस गेम में वही होता है। मेजॉरिटी चाहती है कि आप इनके साथ आगे वाले राउंड में नहीं जाएं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका सफर बस यहीं तक था। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नदा शेख। जैसा कि अंदर आप लोगों ने देखा कि मेरे साथ सियासत हुई, क्योंकि इन लोगों को मे भी ये लगा कि मैं इनको एक टफ टाइम दे सकती थी। अंदर आपने शायद नोट किया कि रिफत जो थी वो गलत आंसर भी कर रही थी, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि रिफत मेरे कंपटीशन पे हैं, तो इस वजह से मैंने रिफत का नाम लिया था। और बेसिक यही रीज़न था रिफत का नाम लेने का मेरा, कि वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लगी। मगर इन लोगों की पूरी प्री प्लानिंग चल रही थी अंदर ग्रुप के अंदर, के साथ में रमीज़ ने मेरा नाम लिया, तो रमीज़ तो खुद सही आंसर्स नहीं कर रहे थे। अगर वो मेरा नेम गलत वहाँ पे ले रहे हैं, ये लोग तीनों मिलकर मुझे वोट कर रहे हैं कि निकालने के लिए एलिमिनेट कर रहे हैं मुझे, तो मे भी ये डर गए हों मुझसे, क्योंकि मैं टोटली सही आंसर्स कर रही थी। मे भी कि मैंने एक दो आंसर्स गलत दिए हों, मगर टोटली मैंने सही आंसर दिए थे और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मैंने आंसर किए थे। तो मुझे तो समझ नहीं आई कि इन्होंने वहाँ पर ये बोला ऑन स्क्रीन कि मुझे मैं थोड़ा कंफ्यूजिंग हूँ और कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में, तो मुझे तो समझ नहीं आया। मे भी कि मुझसे डर गए थे। और रही बात ज़ारा की, तो बेचारी वो तो खुद इतना ज़्यादा घबराई हुई थी कि उनके तो फेस पे क्लियर ही दिख रहा था, तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया, तो उन्होंने मेरा ही नाम ले डाला, क्योंकि उन्हें पहले ही दिख गया था कि मे भी कि उनसे मेरा टफ टाइम होगा तो मैं उन्हें फौरी ही हरा सकती हूँ। एक मिनट में आखिरी खिलाड़ी कौन? That's the catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।